ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका 12.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 9। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहा जा रहा है ये कि एन आइसोसेलस ट्रायंगल यहाँ पे होना चाहिए, राइट। एन आइसोसेलस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो है आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड्स जो होता है आपके इक्वल होता है, राइट। दो साइड्स क्या होंगे आपके इक्वल, और इसका पैरामीटर जो है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे आइसोसेलस ट्रायंगल, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, बी मान लो इसको, और इसको सी मान लो। ये दोनों साइड जो इक्वल है, मीन्स ये दोनों जो साइड इक्वल है, मतलब क्या है कि ये भी आपका जो है 12 सेंटीमीटर होगा और ये भी जो है आपका कितना सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर। जब ये दोनों साइड्स जो है आपके 12 सेंटीमीटर हैं, मतलब ये है कि हमको सी निकालना होगा, साइड सी निकालना होगा, मीन्स तीसरा साइड निकालना होगा। गिवन जो है आपका दो साइड दिया हुआ है, तो आप लेट कर लो, लेट ए इज इक्वल टू जो है आपका 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू जो है आपका ये 12 सेंटीमीटर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, साइड से यहाँ पता चल जाएगा कि ये जो है आपका आइसोसेलस ट्रायंगल बन रहा है, राइट। और सी जो है हमें नहीं पता है, सी जो हमें नहीं पता है, तो सी कैसे फाइंड करेंगे, तीनों साइड का सम जो होगा ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। तो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस सी नहीं पता है, तो सी को आप सी लिख लो, या तो आप एक्स भी लिख सकते हो, राइट, एक्स भी लिख सकते हो, एक्स अगर मानोगे तो। और ये जो है आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी इज इक्वल टू जो है ये दोनों को जब आप एड करोगे तो कितना आ जाएगा, 24, और इधर 30 में से 24 को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। जब ये माइनस करोगे तो सी इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आ जाएगा आपके सामने, C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मीन्स जो यहाँ आपने ये फोटो बनाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा क्या करना होगा आपको, ये करना होगा, राइट। मीन्स ये थोड़ा सिकुड़ेगा, डेट मीन्स आपका ये स्टेप का होगा, ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये बी सी, राइट, इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाल लो, सेमी पैरामीटर एस होता है, वो कितना आ जाएगा 30/2। 30/2 का मतलब ये हो गया आपका 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, मतलब एस इज इक्वल टू जो है वो कितना सेंटीमीटर आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें करना क्या है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, हमें एरिया निकालना होगा, राइट। क्या निकालना होगा, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये जो है रूट के अंदर में होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, राइट। यहाँ जो है आपका ये 15 हो जाएगा, ये 15 माइनस क्या लिखेंगे, 12, और यहाँ भी 15 माइनस 12, और ये 15 माइनस 6, यहाँ जो है 15 आ जाएगा, 15 इंटू 3, और ये कितना आ जाएगा 9। यहाँ जब करोगे तो 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने, मतलब ये 15 हो गया, ये 2 3, ये 15 हो गया, 2 3 हो गया आपका यहाँ पे, और ये 3 इंटू 3, राइट। जब यहाँ करोगे 2 2, मीन्स 2 3 बाहर आ जाएगा, मीन्स 3 इंटू 3 बाहर आ गया, और ये जो अंदर बचा हुआ है क्या बचा हुआ, 15 बचा हुआ, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये आप यहाँ पे लिखोगे 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपके आंसर होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये आंसर जो आपका ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो आपके 6 क्वेश्चंस थे 12.1 में ये कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो को क्या करना है, प्लेलिस्ट में सर्च करना है, जाके वीडियो मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। वीडियो शेयर कीजिएगा तो हमें लगेगा कि हाँ इस पर और भी वीडियो बनाना है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आपको कमेंट भी करना है वीडियो कैसा लगता है इस विषय में, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।